मेरे तो घर में जब जाले मुझे तो नजर नहीं आते, तो मेरे मियाँ को जब नजर नहीं आता जाले, उस दिन निदा यासिर पंखों की सफाई कराती है, क्योंकि मेरी नजर कमजोर है, चश्मा लगाती हूँ, लेंस लगा के आती हूँ, तो जाले नहीं नजर आते। वो जाले सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को नजर आते जिसका नाम है यासिर नमाज। वो जाला एक्सपर्ट है, माँ भी जाला, माँ भी जाला। तो जब मेरे सर पे पड़ती है, दूसरे दिन मेहमान आने वाले होते हैं, या चांद रात होती है, या ईद होती है, या दावत होती है, मैं कहती हूँ दरवाजे के पीछे से भी निकालो, सोफे के नीचे से भी सफाई करो। लेकिन मैंने देखी है कुछ खवातीन जो मासी के सर पे खड़े होकर ऐसा चमकाती हैं अपने घर को। क्या यार, मुझे इश्क है उन खवातीन से जो अपने घर को चमका के रखती हैं। काश मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, काश मैं ऐसी हो जाऊँ कि जब मैं थोड़ी सी और एक दो साल और बड़ी हूँ तो मेरा घर चमकता हुआ हो। ये मेरी कमजोरी है। तो आप बताइए, आप लोग क्या सर पे पड़ती है, क्या सर पे पड़ती है तो करते हो तुम लोग? खाना पकाना होगा, खाना पकाना नहीं आता है, शादी की डेट फिक्स हुई, चलो भाई रंगून वाला हॉल सीखने चलो, यही होता है ना, सिलाई कढ़ाई फिर सुगड़ बन रही होती है। हाँ, मैं तो कहती हूँ सिलाई कढ़ाई भी सीखो, खाना पकाना भी सीखो, बेटा अपने आप को मेकअप करना भी सीख लो। शादी के बाद जो भयानक मेकअप करके तुम लोग निकलते हो ना मियाँ के साथ, साड़ी लाल पहन के, लाल लिपस्टिक लगा के, सफ़ेद सफ़ेद रंग का मेकअप करके, इतनी प्यारी तुम लोगों की शक्लें होती है, छोटी छोटी उम्र में तुम्हारी अम्मा अब्बा शादी कर देते हैं, और तुम लोग निकल जाती हो 40-50 साल की निकल बन कर इतना सारा मेकअप करके। तो ये सीख लो एक सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स, अच्छे से पार्लर से, अच्छे से मेकअप आर्टिस्ट से सीख लो। भागते इन नजारों में ये कैसे पल।